बात MiG-21 हादसे की। दो दिन पहले बाड़मेर के पास MiG-21 विमान हादसे का शिकार हुआ और उसमें जान गंवाने वाले वायुसेना के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल का अंतिम संस्कार हो रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं आंखों में नमील हुए पहुंच रहे हैं, माहौल गमगीन है, परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू के आर एस पूरा की तस्वीरें हैं, उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अंतिम दर्शनों के दौरान उनके परिवार के सदस्य लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन साथ ही साथ नारे गूंज रहे हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तस्वीरें हैं, शहादत को सलाम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। नम आंखों से इस वायुवीर को आखिरी सलाम किया जा रहा है और नारे गूंज रहे हैं, उनकी वीरता को सलाम किया जा रहा है और उनका साहस वाकई उनके नाम की ही तरह अद्वितीय था। MiG-21 उड़ा रहे थे, इंडियन एयरफोर्स का ये MiG-21, लेकिन हादसे का शिकार हो गया राजस्थान के बाड़मेर में, जिसमें 2 पायलट शहीद हो गए। और शहीद होने से पहले तक भी इन्होंने अपना साहस दिखाया, क्योंकि आग लगने की जानकारी इनके पास थी, लेकिन अपने सूझबूझ साहस वीरता से आग लगने के बाद भी इन्होंने सुनसान इलाके की ओर इस विमान को मोड़ा, क्योंकि उससे पहले ही विमान जिस गांव में उड़ रहा था वो आबादी वहां की तकरीबन 2500 के आसपास थी, बड़ी क्षति हो सकती थी, लेकिन इनका साहस था कि सुनसान इलाके में उसे लेकर आज उनको सलाम किया। भारतपुरा के शमशान घाट में है और थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भारतीय वायुसेना जो है उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रही है और साथ ही में उनका अंतिम संस्कार जो है पूरे सैन्य सम्मान के साथ हो रहा है। चाहे भारतीय सेना हो, वायुसेना हो, या जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सभी विभागों के जो है आला अधिकारी यहाँ पर है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सभी की आंखें नम है। तो सभी की आंखें नम है, पूरा गांव और आसपास के कई गांवों के लोग उमड़ पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा है लोगों के, और जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनकी आंखों से जो आंसू एक बार निकले हैं वो थम नहीं रहे हैं। देश के लिए उन्होंने शहादत दी है। ये तस्वीरें उनके गांव की, पत्रिक गांव में आज लोग अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ वक्त के बाद पंच तत्वों में भी विलीन हो जाएंगे।